एक दोस्त ने एक सवाल पूछा है, मुझे अच्छा लगा उनका बात पूछना। उन्होंने ये पूछा है कि अगर किसी शख्स के वालदैन दुनिया से चले जाएं और जाने के बाद उसे एहसास हो कि मुझसे बड़ी गलतियां हो गईं, उसे एहसास हो कि बड़ी कोताहियां हो गईं, बड़ी जगहों पे मैं भूल गया। बहुत सारे लोगों को पछतावा होता है कि यार बड़ी चीज़ें थी जो हम कर सकते थे पर हमसे नहीं हो सकी। उन्होंने पूछा जी कोई अब भी कोई उसका हल है? तो मैंने कहा है ना, हम रसूल रहमत के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तरगीब दत्तरगीब में हदीस मौजूद है, हज़रत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अनु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे के वालदैन या दोनों में से कोई एक इंतकाल कर जाए और वो माज़ल्ला उनका नाफरमान हो, तो फरमाया फिर उनके लिए दुआ करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, उम्मीद है अल्लाह उसे नेकोकारों में लिख देगा, वो फरमा बरदारों में आ जाएगा। शर्त ये है कि वो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे, दुआए मगफ़िरत करे। अब उनके लिए वो अब ही शुरू कर दे उनको याद करना, अभी उस मकाम पर आ जाए, अभी कुछ सोच ले, तो अल्लाह ताला की बारगाह से करम की उम्मीद है कि अल्लाह उसने जो ज़िंदगी में उससे गलतियां हो गई, रब उसकी उन गलतियों को माफ़ कर देगा। रोज़ इस्तिग़फ़ार करे। एक दोस्त ने मुझसे एक दफ़ा पूछा था कि हज़रत साहब वालदैन चले गए हैं, उनके लिए क्या करूँ? तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी की जा सकती हैं, लेकिन मैंने अपने उस मोहब्बत वाले दोस्त को ये मोहब्बत वाला मशवरा दिया था कि मैं चूँकि आपको जानता हूँ, आप नमाज में कोताही करते हैं, आप ना नमाज पढ़नी शुरू कर दें। वो कहने लगे जी वो तो मैं पढ़ूंगा, वालदैन के लिए क्या करूं? मैंने कहा नमाज़ पढ़ें, हर नमाज की आखिरी रकत में कहोगे ना रब्बा नगफिर ली वाली वालिदैया, कहोगे ना हर नमाज में, तो कितना बड़ा अजर मिलेगा आपके वालदैन को। और फिर वो सारा उसलूब के पहले आपने क़याम किया, फिर आपने रुकू किया, फिर आपने सजदा किया, फिर आप अत्तहियात में बैठे, पहले आपने अल्लाह की बारगाह के अंदर उसकी इबादत करने का दम भरा, फिर उसकी वहदानियत की शहादत दी, फिर उसके महबूब पर दुरूद पढ़ा, इतने सारे काम करके अब आपने आखिर में कहा रब्बा नगफिर ली वाली वालिदैया, या अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे वालदैन को बख्श दे, तो बताइए अल्लाह कितना करम फरमाएगा।